कश्मीर मामले पर बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़बोलापन खत्म नहीं हो रहा है। यूएन के साथ तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुंह की खाने के बावजूद इमरान खान कश्मीरियों को समर्थन का राग अलाप कर खुद को अंधेरे में रखे हुए हैं। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र आम सभा में कश्मीरियों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद कश्मीरियों की बदहाली की बात हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का संकल्प व्यक्त किया। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है और यहां तक कि यूरोपीय संघ और ब्रिटिश संसद में इस मामले पर चर्चा हुई है। इस जनसभा का आयोजन कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया गया था। पाक प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारत के कदम से कश्मीर में चरमपंथ बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का पूरा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत ईंट फेंकेगा तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं मोदी को एक संदेश देना चाहता हूं, अत्याचार के बावजूद आप कभी भी सफल नहीं होंगे क्योंकि कश्मीरियों को मौत का डर नहीं, इसलिए आप उनको हरा नहीं सकते, आप चाहें जो कर लें। वहीं भारत ने अनुच्छेद 370 के खात्मे को अपना आंतरिक मामला बताया है और पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।